हम भौतिक सफलता, मटेरियल सक्सेस के समय घमंड से कैसे बच सकते हैं और गुरु के प्रति आभारी रह सकते हैं? हम सब ऐसे समय में जी रहे हैं जहाँ के इंसान को लगना शुरू हो गया है कि वो अपने आप से ही सब कुछ कर रहा है। ये ऐसा समय है जिसे सेल्फ हेल्प का समय कहा जाता है कि हर एक इंसान सोचता है कि मैं कहीं ना कहीं से मदद खुद ही ले सकता हूँ। आजकल के समय में अगर आप देखें, अगर घर में सब्जी भी बनानी हो तो बच्चे माँ बाप से नहीं पूछते, यूट्यूब पर जाकर देखते हैं कि कैसे प्याज काटना है, कैसे टमाटर को काटना है, कैसे तड़का लगाना है, और सोचते हैं हमें आ गया सब कुछ और हमने बहुत बढ़िया सब्जी बनाई है। और अगर अपने माता जी को या दादी जी को या नानी जी को पूछेंगे तो पता लगेगा कि स्वादी सब्जी कैसे बनती है। सो हम ऐसी एज में से गुजर रहे हैं जहाँ हम सोचते हैं कि हम खुद ही खुद सीख जाएंगे सब कुछ। सो दिस इज़ एन एज ऑफ सेल्फ हेल्प। तो जब इंसान उस माहौल में जी रहा, उसको लगता है मुझे सब कुछ आता है। और जब उसकी कुछ तरक्की इस दुनिया में होती है तो वो सोचता है कि ये तरक्की ये मेरे करके हुई है, ये क्योंकि मैंने YouTube पे देखा था ये सब्जी कैसे बननी चाहिए और मेरे को स्वादी लगेगी, मैंने बनाई है। औरों को लगे ना लगे, मुझको तो स्वादी लगेगी ना जिसने बनाई है। तो सोचते हाँ मैंने बड़ा तीर मार दिया। सो उससे इंसान के अंदर घमंड आना शुरू हो जाता है कि ये मेरे करके कुछ हुआ है। और क्योंकि आजकल का एनवायरनमेंट ऐसा है, आजकल की सोसाइटी ऐसी है, तो घमंड आना बहुत आसान है। हमें ये जानना चाहिए कि जो कुछ हमारी ज़िंदगी में हो रहा है, जो सन्मत का रास्ता हमें समझाते हैं कि 75% तो हमारे पुराने कर्मों के लिहाज से ही हमारी ज़िंदगी में ढलता है। तो मेन पोर्शन 3/4 तो जो भी हो रहा है वो तो हमारे पुराने कर्म कैसे थे, जब जब हम पहले मानव चोले में आए हमने क्या सोचा, क्या बोला, क्या किया, उसके कारण हमारे कर्म बने, संचित कर्म। उनमें से जो हिस्सा इस ज़िंदगी में गुजारना है, प्रलब कर्म, वो 75% ज़िंदगी में है, बट प्रभु ने 25% हमें फ्री विल दी है कि हम क्या करना चाहते हैं। प्रभु भी देखना चाहते हैं कि हम किस ओर बढ़ना चाहते हैं, क्या हम में कोई लगन है प्रभु को पाने की कि हम सिर्फ इस दुनिया की चीज़ों को ही पाने की कोशिश करते हैं। तो जब ध्यान बाहर की दुनिया में होता है तो लगता है कि बाहर की दुनिया में अगर कुछ मिलेगा तो वही सही सफलता है। तो इंसान उस ओर बढ़ता है और जब बाहर की चीज़ें उसे मिलनी शुरू होती हैं तो इंसान की हमें ईगो बढ़नी शुरू हो जाती है, और जब ईगो बढ़ती है तभी इंसान के अंदर घमंड आना शुरू होता है। तो ये सब कनेक्टेड हैं। जितना ज़्यादा ध्यान बाहर की दुनिया में करेगा और सोचेंगे कि बाहर की चीज़ें हमें चाहिए, और जितनी अगर मिलती जाएंगी हमें उतना ही हमारा घमंड बढ़ता चल जाएगा, और उतना ही हम देखेंगे कि हम ज़िंदगी ऐसे जी रहे हैं जैसे सब कुछ हमारे करके हो रहा है। जब ध्यान हम असलियत की ओर करते हैं और जब हमें ये समझ में आ जाए कि अगर पत्ता भी हिलता है तो प्रभु की रज़ा में हिलता है, कि सृष्टि में जो कुछ हो रहा है वो प्रभु की रज़ा में हो रहा है। ठीक है, उन्होंने हमें लॉन्ग रोप दे दी है कि 25% हम जो मर्जी करें, लेकिन वो भी उनकी नॉलेज में है। और ये जाने कि उनकी दया करके ही हम कुछ कमा सकते हैं, किसी पद पे पहुंच सकते हैं, कोई मटेरियलिस्टिक गेन कर सकते हैं, तो तब हम देखेंगे कि हमारे अंदर घमंड नहीं होगा लेकिन हमारे अंदर शुक्राने हैं के लफ्ज़ निकलने शुरू होंगे। तो इंसान को समझना चाहिए कि ये सृष्टि प्रभु ने रची है, प्रभु हम सब के भीतर हमसे अलग नहीं,
वो चाहते हैं कि हम 84 लाख जिया जी उनसे छुटकारा पाएं, वो चाहते हैं हम प्रभु से प्रेम करें, वो चाहते हैं कि इस मानव चोले में होते हुए, क्योंकि इस चोले में उन्होंने सब पदार्थ दिए हैं जिनके ज़रिए हम प्रभु को जान सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं, तो पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनसे प्रेम करें, हम प्रेम के ज़रिए अपनी रूह को उड़ान दे पाएँ, अंदर के मंडलों में बढ़ें और इसी ज़िंदगी में अपनी आत्मा का मिलाप परमात्मा से कराएं। तो प्रभु ने इसीलिए 25% फ्री विल दी है कि हम अपना ध्यान बाहर की दुनिया में नहीं लेकिन अंदर की दुनिया में करें, और जब अंदर की दुनिया में करेंगे तो अंदर की दुनिया तो हारमोनी की दुनिया है, अंदर की दुनिया आनंद की दुनिया है, अंदर की दुनिया खुशियों की दुनिया है, अंदर की दुनिया आत्मा का परमात्मा से मिलाप होने की दुनिया है, और उसका अनुभव होते ही हम देखेंगे कि हमें वो अनुभव होंगे जो हमें ये दर्शा देंगे कि जो कुछ भी यहाँ हो रहा है वो प्रभु की रजा से हो रहा है और हर एक चीज़ यहाँ बराबर की है। जब ऐसा अनुभव होता है तो फिर घमंड अपने आप ही ज़िंदगी से निकल जाता है। सो द की इसके भी इंसान अभ्यास करे, मेडिटेट करे, अंदर की दुनिया में बढ़े, प्रभु के जो जाति रूप है उनका अनुभव करे, और वो जो अनुभव है, जो एक्सपीरियंस है, वो ही हमें उस अवस्था में पहुंचाता है जिसमें के जिस तरीके से प्रभु ने हमें जीने के लिए भेजा है, जो प्रेम का रास्ता है, जो एकता का रास्ता है, उस रास्ते पर हम कदम बढ़ा पाए। हम अपना आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? हर एक इंसान को ये समझना चाहिए कि हम सब पिता परमेश्वर से जुड़े हुए हैं, प्रभु हमसे दूर नहीं, हम सबके भीतर हैं। तो जब ये अनुभव हो जाए, जब ये यकीन हो जाए कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, तो फिर किसी चीज़ का इंसान को डर नहीं लगता। अब आप सोचें कि जब आप अपने धर्मस्थानों पर जाते हैं तो कोई भी तकलीफ है उधर आप जाते हैं तो आपको बड़ी शांति मिलती है, सुकून मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ जाकर लगता है कि प्रभु हैं यहाँ पर। और जब आप उस नतीजे पे पहुँच जाएँ कि प्रभु आपके अंग संग हैं, तो फिर आपको किसी चीज़ से घबराहट नहीं होती। सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास खुद ब खुद इंसान का बढ़ जाता है। अब उस अवस्था तक पहुँचने के लिए कि वो हमारे अंग संग हैं, हमें कुछ ना कुछ करना बहुत ज़रूरी है, और वो ये है कि हम अपने आप को आत्मिक रूप में पहले अनुभव करें, जैसे सेल्फ रियलाइजेशन कहा गया, और उसके बाद फिर प्रभु से एक में खोएं, जैसे गॉड रियलाइजेशन कहा गया। पहला कदम है कि अपने आप में हम जानें कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं। वो आत्मा जो प्रभु के प्रेम से भरपूर। और जानेंगे कैसे? जब ध्यान अंदर की ओर करेंगे। अगर मन इंद्रियों के घाट पर जीते रहे और सब ध्यान बाहर की ओर रहा, तो हम असलियत में क्या हो कभी समझ में नहीं आएगा। हम तो अपने आप को शरीर समझते ही ज़िंदगी गुजार देंगे। हर एक इंसान अपनी फ़ोटो देखता है शीशे में, सोचता है यही मैं हूँ, और वो शरीर दिखता है उसको, आत्मा दिखती नहीं। तो आत्मा को देखे कैसे, जाने कैसे, उसका अनुभव कैसे करें? इसीलिए भजन सिमरन करने को कहा जाता है, इसीलिए मेडिटेट करने को कहा जाता है। सिमरन के ज़रिए हम मन को शांत करते हैं, आंखें बंद करते हैं, प्रभु की ज्योत के दर्शन कर सकते हैं। आंखें बंद करें, कान बंद करें, प्रभु की ध्वनि को सुन सकते हैं। जब प्रभु की ज्योत के दर्शन हमारे अंदर होते हैं, हमें पता है कोई टॉर्च लेके रंग बिरंगी राजियाँ नहीं दिखा रहा, तो हमें ये तो यकीन होता है कुछ है जो हमारे भीतर है, कि बाहर से नहीं आ रहा, हम खुद से सोच नहीं रहे। जब हम ध्यान टिकाने के लिए बैठे, हम शरीर को शांत करें और मन को शांत करें। मन को शांत करने के लिए हम सिमरन करते हैं।
सिमरन प्रभु के जाति नाम का जाप है। सिमरन के जरिए मन प्रभु की ओर लगता है। तो जब हम भजन करने के लिए बैठे हैं सिमरन करने के लिए, ये ना सोचें आज मैं दूसरी मंजिल तक पहुंच रहा हूं, आज मेरे को सैंतल कवल में जाके वो देखनी है रोशनियां। हम ये जाने कि जो हमारे लिए बेहतर होगा पिता परमेश्वर हमें देंगे, और उनसे यही प्रार्थना हो कि हे प्रभु जो आप चाहें मेरे लिए बेहतर वो दें, वो ना हो कि जो मैं चाहूँ। तब सही तरीके से मेडिटेशन होती है। तभी जो मनुभव होते हैं हम सोचते नहीं उनके बारे में, खुद ब खुद होते हैं, और जो खुद ब खुद होते हैं वही सही चीज़ है। तो जब खुद ब खुद हम प्रभु की ज्योति से जुड़ते हैं, खुद ब खुद उनकी ध्वनि को सुनते हैं, तो हमें ज़रूर अभ्यास होता है, ये यकीन होता है कि हमारे अंदर कुछ है। जब ऐसा अनुभव हो जाता है तो फिर आत्मविश्वास इंसान का बढ़ता है, उस पर कॉन्फिडेंस है, प्रभु हैं मेरे अंग संग हैं, उनके दो जाति रूपों के मैंने दर्शन किए। तो फिर जब यह अनुभव प्रभु मेरे अंग संग हैं तो सारी सृष्टि उनकी रची है, तो फिर फिक्र की क्या बात है, फिर घबराहट की बात नहीं। फिर इंसान बड़ी ज़िंदगी निडर होकर जीता है, प्रेम से जीता है, आनंद में जीता है। उसे मालूम है कि जो कुछ उसके साथ हो रहा है या औरों के साथ हो रहा है सब प्रभु की रजा में है। और जब ऐसी ज़िंदगी हम जीते हैं तो हम देखते हैं कि हमारी ज़िंदगी शांत होगी और हमारी ज़िंदगी में हलचल रहेगी नहीं, और बड़े सेल्फ कॉन्फिडेंस से, आत्मविश्वास से हम जिंदगी के हर एक मोड़ से गुजर जाते हैं। आंतरिक अंधकार को कैसे दूर किया जाए? अंदर की दुनिया को रोशन करने के लिए, ताकि वहाँ हमें प्रभु के शब्द के जो दो हिस्से हैं ज्योति और श्रुति, उसका अनुभव हो सके। सबसे पहले बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी ज़िंदगी में सद्गुणों को डालें। एक सच्ची सच्ची ज़िंदगी, एक प्यार से भरपूर ज़िंदगी, एक ज़िंदगी जिसमें कि सेवा भाव से हम जिए, जिंदगी करुणा से जिए, एक पाक और पवित्र ज़िंदगी, एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें कि सद्गुण हमारे अंदर भरपूर हों, वैसी ज़िंदगी जीना ज़रूरी है। तभी हम कदम अध्यात्म के रास्ते पर तेज़ी से बढ़ा सकते हैं। जब हमारी ज़िंदगी में सद्गुण भरे हुए होंगे तो फिर दूसरी चीज़ जो हमें करनी है वो ये है कि हमें अभ्यास के लिए समय बाकायदगी से निकालना है। तो रोज़ाना कोई समय फिक्स करके उस समय पर अभ्यास करना बहुत ज़रूरी है। अब सही तरीके से अभ्यास करने के लिए ये ज़रूरी है कि शरीर शांत और मन शांत हो। तो शरीर को शांत करना तो बहुत आसान है, मन को शांत करना मुश्किल है। इसलिए जब भी हम कोई मानसिक कार्य ना कर रहे हो, कोई मेंटल एक्टिविटी ना कर रहे हो, तो हमें सिमरन करना चाहिए। जब हम दिन भर सिमरन करेंगे तो फिर जब हम अभ्यास के लिए बैठेंगे तो हमारा ध्यान आसानी से टिक जाएगा। तो ये स्टेप्स हैं, पहले एक एथिकल लाइफ होना, सद्गुणों का भरना, फिर एक समय निकालना जिसमें कि रोज़ाना बाकायदगी से हम अभ्यास करें, फिर साथ साथ हम अपने दिन भर में जो भी करते हैं उसमें समय निकाल के सिमरन करते रहें। जब भी कोई मन का कार्य नहीं कर रहे, कोई मानसिक कार्य नहीं कर रहे, तो हम सिमरन कर सकते हैं, उसका असर जब हम अभ्यास करेंगे उस पर होगा। और इन सब को करने के लिए हमें आत्मनिरीक्षण की डेयरी दी गई है, उसको भरना, उसका इस्तेमाल करना ज़रूरी इसलिए है कि उसके ज़रिए दो चीज़ें होती हैं। एक तो जिन जिन चीज़ों में हमें में खामियां हैं वो हमारे सामने आ जाती हैं कि हम किस किस चीज़ में वीक हैं, किस में हमें और ताकतवर होना है, वो हमारे सामने आ जाएगा। दूसरा,
कितना समय निकाल रहे हैं अभ्यास के लिए या सेवा के लिए, वो भी सामने आ जाएगा, ताकि जब हम डायरी को देखेंगे तो हमें पता लगेगा हम किस किस्म की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये स्टेप्स हैं जो हमें इस्तेमाल करने चाहिए अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। और जब हम ऐसी ज़िंदगी जिएंगे तो हम देखेंगे कि अंधेरा दूर होगा, और जब भी हम अपनी आंखें बंद करने के लिए अभ्यास के लिए बैठेंगे तो हमें प्रभु की ज्योत के दर्शन होंगे। अपने किसी नज़दीकी की मृत्यु होने पर हम अपने आप को कैसे संभालें? जितना जितना लगाव हमारा उस इंसान से हो जिसकी की मृत्यु हुई है, उतना उतना दुख हम सबको होता है। हमारे माता पिता के जाने पर, हमारे बाल बच्चों के जाने पर, भाई बहन के जाने पर, या और जो हमारे नज़दीकी हैं, चाहे हमारे नेबरहुड में रहते हों, चाहे हमारे साथ काम करते हों। तो जितनी जितनी नज़दीकी हमारी किसी के साथ होती है, उतना ही लगाव हमें होता है। जितना ज़्यादा लगाव होता है उतना ही दुख ज़्यादा हमें होता है जब कोई इंसान इस धरती को सदा सदा के लिए छोड़ के जाता है। तो हमें ये जानना चाहिए कि जितना लगाव हम ज़्यादा किसी से करेंगे, क्योंकि वो सदा सदा के लिए यहाँ रहेंगे नहीं, उतना ही दुख हमें झेलना पड़ता है। वो आत्मा जो इस शरीर को सदा सदा के लिए छोड़ गई, तो जो भी गया है उसका दुख हमें होता है, क्योंकि हमें उनसे लगाव है। वो आत्मा नहीं चाहती कि हम दुख दर्द में हों। वो आत्मा जिसे नाम की देन मिल गई है, उसके जाने में हमें कोई दुख दर्द नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो पिता परमेश्वर की शरण में है। और वो आत्मा भी नहीं चाहती कि हम दुख दर्द में हों उनके वियोग में, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हम भी एक दिन उनके माफक अपनी मंजिल की ओर बढ़ेंगे। तो कोई जाता है तो उसका वियोग हमें करना नहीं चाहिए, और हमें अपना ध्यान उस ओर करना चाहिए कि हमारी तरक्की अपनी मंजिल की ओर किस तरीके से हो रही है। जब अपना ध्यान भजन अभ्यास के ऊपर करेंगे, अपना ध्यान हम सद्गुणों को अपनी ज़िंदगी में कैसे डालें इस ओर करेंगे, तो हम देखेंगे कि हम अपनी मंजिल की ओर तेज़ी से बढ़ने के लायक हो जाएंगे। वर्तमान क्षण में जीने का क्या अर्थ है? वर्तमान क्षण, लिविंग इन द करंट मोमेंट, उसका अर्थ या मतलब ये है कि हम हर एक क्षण को सही तरीके से इस्तेमाल करें। टाइम किसी के लिए रुकता नहीं, चलता रहता है। घड़ी को भी देखो तो टिक 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 करके चल रही है, वो समय गुजर रहा है। अगर उस समय का हमने फायदा नहीं उठाया तो वो क्षण पास में चला जाता है कि गुजर गया, उसको हम वापस बुला नहीं सकते। तो वहाँ पर समझाते हैं कि जो क्षण चला गया, अगर उसका हम फिक्र करेंगे तो उसका कोई फायदा नहीं, वो तो निकल गया, वापस आ ही नहीं सकता। जो क्षण आना है उसके लिए हम प्लान कर सकते हैं, लेकिन प्लान कब करेंगे? इसी क्षण में। अगर इस क्षण में भी नहीं प्लान किया तो ये भी गुजर गया। तो इस क्षण का हमने पूरा फायदा उठाना, तो कैसे उठाएंगे? कि इस क्षण को हम उस ओर लगाएं जिससे हमें प्रभु की नज़दीकी मिले। संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि जो भी हम कर रहे हैं, जो हमें प्रभु की नज़दीकी दिलवाता है, वो अच्छा है, और जो कुछ हमारी ज़िंदगी में प्रभु से हमें दूर लेके जाता है वो ख़राब है। तो हमें अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। हमें जो ये क्षण है जो हमारे सामने है, इसको उस तरीके से गुजारना है ताकि ज़िंदगी का जो मकसद है, जो अपने आप को जानना है और पिता परमेश्वर को पाना है, वो पूरा हो जाए। तो इस क्षण में हम क्या क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो इस क्षण में हम सत्संग में जा सकते हैं। जो सत्संग में जाएंगे वहाँ सच्चाई सुनने को मिलेगी,
महापुरुषों के वचन सुनेंगे तो हमारे अंदर प्रभु को पाने की इच्छा जागृत होगी। वो समझाएंगे कि हम भजन अभ्यास करें तो इस क्षण में हम सिमरन कर सकते हैं, मन को शांत कर सकते हैं, भजन अभ्यास कर सकते हैं, अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं। बार बार महापुरुष भी समझा गए हैं कि जो सेवा का फल है वो बहुत मीठा होता है। तो इस क्षण में जब हम सेवा करते हैं, जब किसी के मददगार होते हैं, इस करके नहीं कि वो हमारी मदद करेंगे जब हमें मदद चाहिए, लेकिन इस करके कि हम चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा ही आए, जो कोई तकलीफ़ है वो दूर हो उनकी। तो किसी की मदद करना निष्काम सेवा भाव से, वो क्षण का सही फायदा उठाना है। तो इस क्षण में जीने का मतलब है कि वो कार्य किए जाएं जो हमें प्रभु की नज़दीकी देंगे। जब ऐसी ज़िंदगी जिएंगे तो हम देखेंगे कि हम अपने मकसद को बड़ी आसानी से पा लेंगे। तो थोड़ी देर के लिए आप सब अभ्यास के लिए बैठ जाइएगा। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले आई बॉल्स हैं सीधे सामने होने चाहिए। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊँचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी के चिन्ह दिखेंगे और बहुत से नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। जो कुछ दिखता है उसके बीच में देखिएगा और जो जो आपके लिए बेहतर है वही प्रभु आपकी ज़िंदगी में ढालते चले जाएंगे। मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले, हम प्रभु की नज़दीकी पाएँ और उनकी ज्योत से जुड़ते हुए अंदर के मंडलों में उड़ान कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।